सब लगा के रखेंगे, विल मूव इन अ ग्रुप। यहाँ से अभी बोल्डरों के बीच में से जाना है। कोई पहुँचा दो यार सनसेट। इस बहन को कल मिलना है, हमने सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी, बट जिस हिसाब से बारिश शुरू हुई है यहाँ पे, ये काफ़ी देर तक चलेगी और बहुत तेज होगी आने वाले टाइम में। रकी साहब सांस लीजिए गहरी और बात करिए। बड़ी सही जगह मिली है रेस्ट करने को। स्पीक्स आर वेरी क्लियर। यहाँ पे मैं ग्लेशियर पे बैठा हुआ हूँ। आदाब, नमस्ते, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अगेन वेलकम टू माई चैनल द कश्मीरी वॉन्डर। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई कॉन्टेंट। दिस विल डेफिनेटली अप्रिशिएट मी टू ब्रिंग सम मोर स्टफ लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ यू। दिस टाइम वी आर कवरिंग रोमेश थोंग पीक। दिस इज ऑल्सो नोन विद द नेम ऑफ सनसेट पीक। आई हैव कवर्ड मैनी ट्रैक्स इन कश्मीर वैली, बट दिस इज द मोस्ट toughest trek which I have ever done and this is the highest peak which I ever submitted. This is 17,000 feet above sea level. We have experienced something weird at top of this peak and I'm not going to pose it right now. I want you to see this complete vlog to know what we have experienced over there. This is completely out of the box. We have never experienced something like that. So this was deadly, this was lethal. I'm accompanied with a beautiful team of 15 odd members and I like this team. This is my favorite team. I hope you will like this vlog and if you do, please post a comment. Thank you so much and let's jump into the vlog. Good morning guys. So vlog main direct Yosemite se start kar raha hu. So घर से अभी 2 घंटे का ड्राइव करके हम यूसमार्क पहुँचे हैं एंड अब यहाँ से हम अपना ट्रैक शुरू करेंगे। सो हमारे टीम मेंबर सारे तैयार हो रहे हैं। ये 5 की 5 गाड़ियाँ हम यहाँ छोड़ के जा रहे हैं अभी। सो अदनान, गुड मॉर्निंग भाई, बारिश हो रही है। क्या नाम भाई आपका? सईद सुफैर बुखारी साहब। ये हमारे बहुत ही शरीफ आदमी मंजूर साहब, इनको लास्ट ट्रैक में हमने मिस किया। हाँ, इनको तो हम जानते हैं, तो इनको लास्ट टाइम मिस किया हमने, अभी हमारे साथ आ गए। अब बारिश देख सकते हैं, बारिश हो रही है अभी, तो थोड़ा सा वरीसम हो सकता है ये। तो ये हमारे हरफन मुल्ला साहब कुछ कहना चाहेंगे, 2 वर्ड? अभी कुछ नहीं क्योंकि बारिश है। बारिश है तो अभी हम तैयारी करें बारिश से बचने की और रूम पे सामान लादने की। हमारे यासिर भाई डालेंगे, क्या हो रहा है? क्या लाए हो खाने के लिए? वाह, आज तो ये रिकॉर्ड भी हो गया, अब नहीं बच सकता ये। ये हमारे नए मेंबर हैं जीत सिंह, ये डायरेक्ट मुंबई से आए हैं। सो ये हमारे त्राल से ही हैं, हमारी खुशकिस्मती के त्राल का एक कंपनी मिला हमें। क्या नाम आपका? जुनैद आई त्राल से। गाइस, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सनसेट पीक टुडे। इट्स 28, वी आर अराउंड 13 पीपल इन द टीम। टुडेज ट्रैक लीड इज मिस्टर सईद ताहिर। यहाँ पे एक स्कूल भी पिकनिक आए हुए हैं, तो हम कुछ 1/2 किलोमीटर चल रहे हैं अभी। महाराज भाई एज यूजुअल लीड कर रहे हैं, हिमायूं साहब, नए भाई साहब अभी इंक्लाइन शुरू हो गया। यहाँ से 8-10 किलोमीटर चल के एक ऐसी लोकेशन आई है जहाँ पे अगर कैंप करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि थम रूल ये है ड्यूरिंग ट्रैकिंग कि जहाँ पे आपको डोका मिल गया लाइक दीज हाउसेस, वहाँ पे आप कैंप कर सकते हैं। तो इस जगह का नाम है द्रग टोली। तो यहाँ पे देखिए मीडो भी मिल जाएगा आपको एंड डोके भी मिल जाएंगे। तो द्रग टोली जो जगह है यहाँ पे आप कैंप कर सकते हैं। गाइस, अभी इतनी ऊंचाई पे आ गए हैं, वो आप देख रहे होंगे वहाँ से नीचे से होते ऊपर आ रहे हैं एंड यहाँ ऊपर आते वो पीछे देखिए कितनी प्यारी पीक्स दिख रही हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए, सो ब्यूटीफुल। जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आप देखना, कितना
कितनी सुंदर लग रही है ये देखिए, ये पहाड़ियां दो पीछे दिख रही हैं एंड ये बर्फ से बिल्कुल भरी हुई है, लाइक पूरी कवर्ड बर्फ से। फिर से जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए वाह। कुछ 13 किलोमीटर चल के ये देखिए पूरी फॉग है, यहाँ पे विजिबिलिटी बहुत कम है। लाइक अभी देखिए मेरे टीम मेंबर गए हैं, वो वहाँ पे खड़े हैं, अभी दिखने बंद हो रहे हैं। After covering 15 odd kilometers, we have reached at top of this second peak, and you can see how beautiful it is from here. आपको मैं व्यू दिखा रहा हूँ जहाँ से हम आए। ये देखिए एक वैली टाइप है, वैली टाइप है, यहाँ से हम आए ये पूरा क्रॉस करके और यहाँ हमने जाना है। और कहने को अभी 2-3 घंटे का रास्ता हुआ है। गाइज एक बहुत बड़ा आलीशान मीडो, किलोमीटर चल के मैं दिखाता हूँ हमें क्या दिखा। जब तक मैं आपको जब तक मैं मोबाइल ओपन करता रह गया तब तक जो मैं आपको दिखाना चाहता था वो क्लाउड्स में छुप गया, बट स्टिल मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दिस इज सनसेट पीक और ये हम कल करेंगे। ये देखिए अभी बादलों के बीच में छुप गया है। गाइज आई थिंक कुछ आधा घंटा और रह गया जिसके बाद हम अपने पहले बेस कैंप पे पहुंच जाएंगे। काफ़ी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी, अभी पाँव में काफ़ी दर्द हो रही है, पैर काफ़ी पेन कर रहे हैं क्योंकि शूज़ भी फर्स्ट टाइम पहना हुआ है एंड सांस फूल रही है, भूख लगी है काफ़ी एंड थकावट बहुत ज़्यादा हुई। तो आई होप कि जो गाइड कह रहे हैं ये 30 मिनट्स, क्या आई होप ये है एक्चुअल में 30 मिनट्स हो। सनसेट के पीक्स हैं वो एकदम से क्लियर दिख रहे हैं यहाँ से, आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए सो पीक्स आर वेरी क्लियर एंड स्नो कवर्ड पीक्स आर विजिबल फ्रॉम हियर नाउ। बारिश शुरू हो गई है यहाँ पे, अभी रेन गियर तो हमने एक्टिव कर लिया बट जिस हिसाब से बारिश शुरू हुई है यहाँ पे ये काफ़ी देर तक चलेगी और बहुत तेज़ होगी आने वाले टाइम में, बट बारिश बहुत हो रही है एंड मे बी हम यहीं कैंप करें बिकॉज गाइड ने हमें मोड़ लिया है। गाइड इसे कि रुक जाओ और हमें कैंप यहीं ना करना पड़े, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए हमारा गाइड वापस जा रहा है, घोड़े भी वापस जा रहे हैं एंड मे बी हम कैंप यहीं करें। अब लेट्स सी क्या प्लान होता है। रूट चेंज किया हमने, ये देखिए ये अजीत भाई साहब आ रहे हैं तो ये हमारे बाकी टीम मेंबर जा रहे हैं। तो अभी हमने प्लान किया कि हम यहीं रुक रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। तो
तो ये जो नदी बह रही है, पहले हमारा प्लान था वहाँ आगे जाने का ताकि हमारा सनसेट नज़दीक हो जाता, बट अभी बारिश बहुत ज़्यादा हो गई तो हमने प्लान किया कि इस नदी के आसपास ही कहीं रुकेंगे। वी आर सेट अप टेंट्स ओवर हियर एंड वी आर आई थिंक 4-5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम सनसेट पीक। अभी सारे लौंडे अपने अपने टेंट में घुस गए हैं, ठंड बहुत है यहाँ पे, हाथ सुन्न हो गए अभी। तो बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं हमारी सनसेट पीक, इस बहन को कल मिलना हमने, तो ये सारे अंदर बैठे हैं, ठंड बहुत है, थोड़ा सा रिलैक्स होके फिर मिलते हैं। 4 AM इन द मॉर्निंग एंड वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल स्टार्ट अवर ट्रैक फ्रॉम हेयर नाउ ओनली एंड विल रीच देयर विद इन 3 hours। लाइक इफ यू हैव स्टार्टेड एट 4, विल रीच बाय 7, राइट? सो गाइड इज giving instructions. अपने अपने हेलमेट्स, अपना हेड टॉर्च, अपने ग्लव्स सब लगा के रखेंगे, अपना बफ सब लगा के रखेंगे। विल मूव इन अ ग्रुप, यहाँ से अभी बोल्डरों के बीच में से जाना है, तो थोड़ा टाइम लगता है बोल्डरों को क्रॉस करने में भी। एंड अर्ली मॉर्निंग ट्रक शुरू किया तो थोड़ी सी सांस फूलनी चाहिए, हर बंदे की सांस फूली हुई अभी। सो मच ऑफ स्वेटिंग, आज सुबह से हम लाइक पौने घंटे से भी चल रहे हैं तो स्वेटिंग काफ़ी होगी हमें, तो क्योंकि बॉडी इज इन मूव राइट नाउ, उसकी वजह से काफ़ी, क्योंकि फ्लीजर्स एंड जैकेट्स जो पहने उसकी वजह से काफ़ी गर्मी हो रही है। तो अभी सारे टीम मेंबर चल रहे हैं हमारे आगे। फिलहाल सब गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सर रात के 2 बजे चल ही रहे हैं। ओके रिपोर्ट है। ओके रिपोर्ट। ये मुंबई से आया मेरा दोस्त भाई साहब, किमें पूरे नज़ारे है सनसेट बेन, अपन लोग आ रहे हैं। अभी कुछ 2 घंटे चल के इनको रेस्ट करने का सोचा है, ये रेस्ट करते हैं, और रेस्ट करने की जगह भी बढ़िया ढूंढी है इन्होंने, एकदम प्लेन चट्टान, बड़ी सही जगह मिली है रेस्ट करने को। ये जो रकीब भाई है ना, ये चोरी चोरी कुछ खाते ये चोरी चोरी सामान खा जाते हैं, और मैं इनको नोटिस करता हूँ। काफ़ी हवा निकल गई हम सब की, अभी देखते हैं ये कितने और हवा निकालते हैं। Actually, so walking on these trails where you are feeling scarcity of oxygen and walking through these rough terrains where the oxygen level is low, it is tough, real tough. So I'm having one more personality, Rakib Saab. Rakib Saab, saans lijiye gehri aur baat kariye. क्या कहना चाहते हैं आप? कपाल भारती करें सर। ओहो, मैं तो सर आज ये कपाल भारती याद आया। अच्छा आज हम इस साहब का कपाल भारती निकल गया है। अभी ये देख रहे हैं आप, तो जिस को मैं इससे पहले सनसेट पीक समझ रहा था वो सनसेट पीक ही नहीं, अपन ने उसके पास पहुंच के लेफ्ट ले लिया, राइट? तो अभी शायद ये सनसेट वीक है। पहुँचा दो, कोई पहुँचा दो यार सनसेट। Yeah.
फाइनली कुछ सुंदर से ग्लेशियर्स देखने को मिले हमें, बहुत सुंदर। गैस ये जो बर्फ़ है ये इतनी हार्ड है कि पत्थर को भी मात दे रही है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, मतलब मेरे बूट के साथ भी उसका कुछ नहीं हो रहा। आप खुद सोचिए कि कितनी पुरानी बर्फ़ है। अभी यहाँ पे मैं ग्लेशियर पे बैठा हुआ हूँ एंड बहुत ही लाइक सख्त हो गया ये ग्लेशियर। लाइक मैं इस पर एकदम से बैठ गया था चौकी मार के, जिसे हम कहते हैं, एंड मेरे को ऐसा ज़रा भी फील नहीं हुआ कि लाइक थोड़ा सा भी मेरा शरीर गीला हुआ हो, क्योंकि बहुत सख्त हो गया एंड ये पिघल नहीं रहा अभी। ठंड बहुत है यहाँ पे। जो नाला ऊपर से आ रहा है कम्प्लीटली फ्रीज है। मैं थोड़ा क्लोजअप देता हूँ आपको। ये देखिए, ये वो हालात हैं जो हमारे कश्मीर में गाँव में विंटर्स में बनते हैं, जनवरी फरवरी में पूरा फ्रीज है। गाइज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड वेरी वियर्ड एज वेल, दिस इज बेस्ड ऑफ ब्राउन बियर एंड दिस इज कन्फर्म्ड बाई आवर गाइड कि ब्राउन बियर यहाँ पे है एंड ये है। और ये लाइक जहाँ तक लग रहा है कुछ एक दो दिनों पुराना ही है, तो दिस इज़ कन्फर्म कि यहाँ पे ब्राउन बियर भी है। गाइस फाइनली हमें समिट दिखाई दे गया, जिस पीक को हमने सबमिट करना है। लाइक इट्स सो ब्यूटीफुल, लाइक यू कैन नॉट इमेजिन ब्यूटीफुल इट इज। Oh my god, let me show you. Wow, summit is visible and after walking for 7-8 kilometers, started at 3, now the time is 9 a.m. in the morning, so means we have trekked for 6 hours and see where we are. Wow, oh my god, this is beautiful, this is so beautiful. ये दो पहाड़ियाँ बिल्कुल बर्फ से भरी हुई हैं एंड हिडन, लाइक लुक एट दिस, इट्स सो ब्यूटिफुल, अनइमेजिनेबल बियॉन्ड वर्ड्स। लेट मी जूम दिस, नाउ सी दिस, सो ब्यूटिफुल। अभी ये ट्रक हमें पार करके जाना है, लेट्स सी। वो लेक है ना, हाँ